एक गांव में एक बाजार होता है और उस बाजार में एक कबूतर बेचने वाला होता है। एक इंटेलिजेंट आदमी उसके पास पहुंचता है और वो देखता है कि इसके पास दो पिंजरे होते हैं, एक बहुत ही बड़ा और एक छोटा सा। वो उस आदमी से पूछता है कि ये कबूतर का दाम क्या है और वो आदमी बताता है कि कोई भी ले लीजिए 70 रुपए के हैं और अगर जोड़ी लेंगे तो आपको फायदा होगा। ये जो इंटेलिजेंट होशियार आदमी था वो छोटे पिंजरे की ओर देखता है और कहता है, और इस छोटे पिंजरे वाले कबूतर का? उस पिंजरे में सिर्फ एक ही कबूतर होता है। ये कबूतर बेचने वाला आदमी जो शिकारी भी होता है वो कहता है कि वैसे तो मैं इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो आपको 1000 रुपए में दूंगा। ये आदमी चौंक जाता है, वो कहता है कि इन कबूतर के 70 रुपए और इसके 1000 रुपए, ऐसा क्यों? वो कहता है क्योंकि ये मेरा पाला हुआ कबूतर है और धंधे में मेरी मदद करता है। ये पूछता है, कैसी मदद? कबूतर तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है? ये कहता है कि जब भी मैं जाल बिछा देता हूँ और उस पे दाने डाल देता हूँ तो ये सबसे पहले बैठ जाता है, फिर ये मुंह से आवाज करना शुरू कर देता है। अब इसे सुनकर कुछ सोचे समझे बगैर और भी कबूतर आ जाते हैं और जैसे ही वो बैठ जाते हैं मेरा काम आसान हो जाता है और मैं उन्हें पकड़ लेता हूँ। ये जो होशियार आदमी था वो कहता है, चलो ये लो 1000 रुपए और दे दो मुझे ये कबूतर। उसे वो कबूतर दे देता है, उसे थोड़ा सा दुख हो रहा होता है, भारी मन के साथ देता है। लेकिन ये आदमी जो खरीदने आया था, उसे कबूतर मिलते ही वो तेज गाड़ी दौड़ाता है, उसे वीरान जंगल में ले जाता है और कबूतर को वहां छोड़ के आता है। अगले दिन वो उसी बाजार में जाता है उसी कबूतर वाले के पास और कबूतर वाला पूछता है कि कैसा है मेरा कबूतर, मेरा पालतू कबूतर? ये आदमी कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो उसे वीरान जंगल में छोड़ आया। कबूतर वाला शॉक हो जाता है, वो कहता है कि 1000 रुपए देकर तुम उसे वीरान जंगल में छोड़ा है, ऐसा क्यों? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि जो अपनों के साथ गद्दारी करे उसे अपनों के बीच रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। अर्थात आज की दुनिया में जो हो रहा है उसी पर बेस्ड आज की ये कहानी। वो कहते हैं ना कि बहुत रंगीन है जमाना, बहुत रंगीन है जमाना, हर शख्स को रंग बदलते हुए देखा। तसल्ली कर लीजिए कि कौन वफादार है, तसल्ली कर लीजिए कि कौन वफादार है, बाकी वक्त तो बता ही देगा कि कौन गद्दार है।